तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एंड फ्रेंड्स, अगली बार हमने जैसे कि आपको बताया कि किस तरीके से हमने क्लच किट को निकाला था और किस तरीके से उसे धो के अच्छी तरीके से क्लीन किया है, और अभी फिलहाल में हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। और आज हम बताने वाले हैं आपको किस तरीके से आपको लगाना है और किस तरीके से आपको उसे फिट करके एयर निकालना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि उसका ठिया है वो वेल्डिंग था, तो हमने ठिया नहीं निकाला था, उसका सिलेंडर समेत ही निकाला था। और जो क्लच किट है हम TVS का यहाँ पर डालने वाले, आप देख सकते हो यहाँ पर TVS लिखा हुआ है, तो TVS का जो क्लच किट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 09 का जो क्लच किट है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में भी लीकेज हो ये तो आप खुद से डाल सकते हो, ये हम आपकी वीडियो में बताने वाले हैं। और जो प्राइस है वो 350 रुपये में आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि हमारे पार्ट्स की शॉप होती है वहाँ पर आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में इसको खोलते हैं और इसे फिट करके दिखाते हैं। और ये हमारा पुराना जो क्लच किट है उसे तो हमने फेंक ही दिया है क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, ये नया वाला है, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है ये आपको पूरा वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका क्लच किट का जो बॉक्स है उसे खोलते हैं, और खोलने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पैकिंग दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये पैकिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है, पर हाँ ठीक है, नीचे के क्लच किट में कुछ ज़्यादा चीज़ें आती है पर ऊपर वाले में नहीं आती है। अभी आपको खोल के हम दिखाते हैं। तो पहले इसे अच्छी तरीके से फाड़ते हैं और पहले आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हम आपको करके दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर इसे मैंने अच्छी तरीके से फाड़ लिया है। अब फाड़ने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लच किट हमको दिखाई देगा यहाँ पर, और इसकी जो लॉक है एक ही लॉक दिखाई देगी, और जो हमारे पास क्लच किट है यहाँ पर जो क्लच किट दिखाई देगा, बस ये दो ही चीज़ आती है इसमें, ठीक है ना, दो चीज़। अब सिलेंडर को हमने क्या उठाना है, उससे पहले हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में उसके जो लॉक का जो हिस्सा है उसे हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, ताकि हमारी जो लॉक है वो चलते पेडल में निकले नहीं, यानी चलती गाड़ी के चलते ही अगर आपने क्लच दबाया और जैसे छोड़ोगे एकदम क्लच, तो वो क्या लॉक भी साथ में आ जाती है, गिर जाती है नीचे, फिर क्लच दबाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अच्छी तरीके से लॉक का गाला भी उसे साफ़ कर लेना। यहाँ पर हमारे पास जो है मारुति सुजुकी का जो ब्रेक ऑयल है .3 ही है, ठीक है, 4 नहीं यूज़ करना, हम 3 ही है। अगर आपकी गाड़ी सादी गाड़ी है तो आप 3 ही यूज़ करना है, ठीक है आपको। अगर BS4 BS6 है तो आपको फिर .4 यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तभी फिर यहाँ पर जो इसका ब्रेक ऑयल का जो कलर है वो आपको बिल्कुल .4 की तरह ही दिखाई देगा, पर है .3 अभी। आपको जैसे आपने बताया उसे अच्छे तरीके से आपको डाल के लगा देना है, ब्रेक ऑयल डालना है उससे पहले, ताकि हमारा जो क्लच किट है वो ईजिली जो है अंदर बैठ जाए। अब उसके बाद में हमारे जो झूले पिन की जो पिन है उसे हम लगाएंगे, ठीक है, झूले की पिन यहाँ पर। और अब उसके अंदर हम लगाने वाले हैं लॉक, ठीक है, लॉक अच्छी तरीके से लगाना। अभी मैं बताऊँगा कि लॉक क्यों निकल जाती है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ये लॉक निकाल दी और उसके बाद में कुछ इस तरीके से खींचेंगे और लॉक जो है बाहर हो जाती है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से लॉक अंदर तक के बिठाएंगे, ठीक है, जहाँ पर उसका गाला होता है वहाँ तक बिठाएंगे। आपको कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमने लॉक लगा दी पर लॉक लगती नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में अच्छी तरीके से उसे लॉक को ठोक के लगा दी, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने किस तरीके से लगाई है, और उसे एक बार रोटेट कर देना है, घुमा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कितना खींचने के बाद भी जो है वो नहीं निकल रही है। अब चलते हैं हमारे गाड़ी के पास और उसे किस तरीके से लगाएंगे ये हम आपको बताएंगे, और एयर किस तरह से निकालना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर हमारे जो क्लच किट का जो ठिया है वहाँ पर आ चुके हैं, और हमने पैडल नहीं खोला था, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया पैडल हम नहीं खोलने वाले, और ये हमारा झूला है। अभी इस झूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे अटकाने वाले हैं, ठीक है, तो ये ईजिली अटक जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, अभी फ़िलहाल सिंगल मेटू में। तो अभी इसे ईजिली हम अटका देंगे, और अटकाने के बाद में हम आपको बाकी का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अटका दिया था, और अटकाने के बाद नीचे का बोल्ट आप इजीली डाल सकते हो। फिर प्रॉब्लम किस वाले बोल्ट में आएगी आपको, जो ऊपर वाला बोल्ट है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर आपको 3 चीज़ों का सेंटर मिलाना होगा। जो हमारे क्लच की पत्ती है ऊपर वाली, उसका आपको सेंटर मिलाना है, ठिए का सेंटर मिलाना है, और जो हमारा सिलेंडर है उसका भी आपको सेंटर मिलाना होता है। तो उसे मिलाने के बाद में आपको पेचकस के थ्रू आप मिला सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में मैंने मिलाया है, तो अभी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मैं अकेला हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी फ़िलहाल में उसे अटका दिया है, और अटकाने के बाद में हम आपको क्या करना है, वो अब एयर का जो प्रॉब्लम है, जो एयर नहीं निकलती क्लच की, अब ये इसके बारे में आपको बताने वाला है। तो ये बड़ी ही खास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एयर किस तरीके से निकालने हैं क्लच किट की, काफ़ी बार क्या होता है एयर नहीं निकल पाती है, सही से एयर नहीं निकल पाती, तो आपको सही तरीके से आपको एयर निकालना है। तो एयर किस तरीके से निकालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दोनों बोल्ट जो है उसे कस लेना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में अच्छी तरीके से उसे कस लिया हमने, और कसने के बाद में अब जो हमारा पाइप है हम उसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम पाइप को जो है लगा दे देंगे, और यहाँ पर जो इसका लॉक है जो हमारी पाइप का, उसे भी हम अच्छी तरीके से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पिंचेस है, पिंचेस के मतलब उसकी जो लॉक है हम उसे अच्छी तरीके से क्लिप
जिसे क्लिप भी कहते हैं, तो उसका जो क्लिप है उसे अच्छी तरीके से आप लगा देते हैं। अब इसे लगाने के बाद में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से इसे लगा लेना है ताकि हमारा जो ब्रेक पाइप है वो निकले नहीं, मेन पाइप है, ये मेन पाइप है, वो रिटेन पाइप है, ठीक है, तो इतना ध्यान रहे। अब इसके बाद में जो हमारा लोहे वाला जो रिटेन पाइप है उसे आपको अटकाना है, ठीक है। उसे पहले हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने का क्या होता है कि अगर आपका कोई ब्रेक ऑयल लीक होता है ना तो आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए आप साफ़ भी करते रहें। और अब हमारा ब्रेक ऑयल पाइप जो है उसे अटकाना है, ठीक है। पहले आपको अटका के चेक कर लेना है कि वो अटक रहा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं अटकता है, तो अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो हम पाइप अटका रहे हैं वो अटक नहीं रहा है क्योंकि वो हल्का सा बैंड हो चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अभी फ़िलहाल उसे थोड़ा मोड़ते हैं और उसे तरीके से लगा देंगे कि फ्री अटकना चाहिए, ठीक है। अगर फ्री नहीं अटका तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी फ़िलहाल में उसे अच्छी तरीके से फ्री अटकाएंगे और अटकाने के बाद उसे वापस से खोलेंगे, ठीक है। पहले अटका के चेक करेंगे कि हाँ अटक रहा है या नहीं, अच्छी तरीके से अगर अटक जाएगा यानी निकालने के बाद आप फिर अटकाओगे तो ईजिली अटक जाना चाहिए, यानी कि आपको 5 से 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए अटकाने में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अटकाने में ईजिली अटक जाना चाहिए, तो अगर आप सोच रहे हो हम अटका देंगे तो ऐसा नहीं है, वो पाइप का हल्का सा मोड़ हो जाता है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी फ़िलहाल में हम इसे अटका दिया है और अब देखना यहाँ से ब्रेक ऑयल जो बाहर आएगा। अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ब्रेक ऑयल इसमें डालते हैं और ब्रेक ऑयल डालने के बाद में जो ब्रेक ऑयल है वहाँ से काफ़ी तेज़ नीचे आएगा, ठीक है। अभी फिर मैं आपको दिखाता हूँ डाल के। अभी फ़िलहाल इसमें जो ब्रेक ऑयल है वो खाली हो चुका है, तो सबसे पहले ब्रेक ऑयल इसमें डालते हैं हम। यहाँ पर जो ब्रेक ऑयल है इसे हम इजीली डाल देते हैं। वैसे तो क्लच ऑयल है, ठीक है, पर ब्रेक ऑयल कहते हैं क्योंकि शादी गाड़ियों में ब्रेक के लिए भी यही यूज़ होता है, क्लच के लिए भी यही यूज़ होता है, तो इसे ब्रेक ऑयल ही कहते हैं। तो अब फ़िलहाल में अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि कितनी तेज़ जो है हमारा ब्रेक ऑयल वो बाहर आ रहा है, ठीक है, कितनी तेज़ आ रहा है। अगर आपने इसे 5 या 10 सेकंड में अगर नहीं अटकाया तो 1 मिनट में आपका आधा लीटर का जो ब्रेक ऑयल है वो सारा धुल जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं वो बोल रहा था आपको कि पहले आपको पाइप अटका लेना। देखो हमने वहाँ पर अटका लिया था पाइप और ईजिली वो अटक चुका है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो हमारा ब्रेक ऑयल वो कम ही डुला है, ज़्यादा नहीं डुला। अगर आपका पाइप अगर नहीं अटका, आप सोच रहे हो अटकाऊँ जब तक, तो आपका जो ब्रेक ऑयल वो सारा लीक हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको लेने आना पड़ेगा, फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं आप दूर हो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसे पहले पाइप को आपको अटका के खोल लेना है और फिर अटकाना है, फिर खोलना है, फिर अटकाना है, ठीक है। आपको ये चेक कर लेना है कि हाँ हम कितनी जल्दी उसे अटका रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आप देख सकते हो इसे अच्छी तरीके से हमें कस देना है। उसे कसने के बाद हम अच्छी तरीके से इसे साफ़ भी कर देंगे ताकि हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो लीक ना हो, या अगर लीक हो तो हमें पता चल जाए कि वो कहाँ से लीक हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल में इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पर साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद में आपको नीचे ही दिखाएंगे हम कि आपको किस तरीके से, अगर आपका पेडल है वो ऊपर नीचे होना है, अगर आपका जो ब्रेक ऑयल है अगर वहाँ से नहीं आता जैसा अभी हमने निकाला वैसा नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हम अल्टर चढ़े हुए हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि अल्टर यहाँ पर चढ़े हुए हैं, हम उसे अल्टर उतार देंगे। अगर अभी हमने अगर ब्रेक ऑयल नहीं आता तो हम अल्टर उतारते, अगर आपकी गाड़ी में अगर ब्रेक ऑयल नहीं आ रहा है तो आपको पूरे अल्टर उतार लेना है, और 2-4 आप पेडल करोगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक ही ऑयल आ जाने वाला है, ये 100% गारंटी है, ठीक है, 100% गारंटी है आपकी, जो आपका जो ब्रेक ऑयल है वो अगर अल्टर उतारने पर आ जाएगा। अभी हमारा जो अल्टर नहीं उतारे तब भी आ गया था, पर अगर आपकी गाड़ी में नहीं आता है तो ठीक है आप अल्टर उतार लीजिए, पूरे उतार लीजिए, आपका ब्रेक ऑयल बहुत ही स्पीड में आएगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल में जो पैडल है हमारा वही उसी पोजीशन पे करने वाले हैं जिस पोजीशन पे हमारा जो क्लच, यहाँ पर क्लच प्लेट का जो क्लच है वो सेट है, ठीक है, तो इसे हाफ क्लच पे हम सेट कर देंगे ताकि हमारा पहले भी हाफ क्लच पे सेट था, अगर हमने पूरे अल्टर उतार दिए ना तो फिर गियर टाइट आएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में क्या करते हैं, पहले तो गियर आ ही नहीं रहे थे आपने अगले अगर पहला वीडियो देखा है तो, ठीक है, पहले हम अच्छी तरीके से इसे लॉक कर देंगे ताकि हमारा जो बोल्ट है वो खुले नहीं, वैसे तो खुलता नहीं है पर लॉक करना काफ़ी सेफली हो जाता। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं, ओ भाई साहब, तो अभी फ़िलहाल में जो हमारा फ़ोन है वो गिर चुका है, पहले देखने नुकसान तो नहीं हुआ ना, नहीं नहीं, तो अभी फ़िलहाल में फ़ोन जो गिर चुका था और अभी ज़्यादा गिरा नहीं, अच्छा हुआ वो पैरदान में ही गिर गया, अगर पैरदान से नीचे आता तो फिर टूटने का डर होता, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा नुकसान होने से बच गया, पर आपके लिए कुछ भी फिट गया। तो अभी फ़िलहाल में मैं कहाँ था, हमने जो कि क्लच की एयर निकाल ली, अल्टर भी सेट कर दी, अब हमारी बारी गाड़ी स्टार्ट करने की। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको गाड़ी के जो गियर है वो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं कि गियर है जो हमारे वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अभी थोड़ा डंडा भी टाइट है क्योंकि इन्होंने गियर बूच अभी ही रिपेयर करवाए थे, तो अभी क्या है कि इसका जो ब्रेक ऑयल है वो मुझसे अच्छी तरीके से वापस
भरने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक ऑयल यहाँ पर हम डाल रहे हैं। आपको ज़्यादा नहीं भरना है, ऊपर ज़्यादा भर दोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो हम पुशअप करते हैं ना, जो हमारा क्लच पेडल दबाते हैं तो फिर वो चलता है ऊपर नीचे, तो फिर ढुलता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में क्लच पे लोड आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। आपको अगर नहीं दिखा था, और ये वायरिंग भाई साहब, ये वायरिंग का ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वायरिंग अगर आपकी खुली पड़ी है ना तो जलने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से वायरिंग जो है वो किस तरीके से लगी हुई है। तो अभी फ़िलहाल में जो हमारा क्लच पेडल है वो कुछ इस तरीके का है, पूरा हार्ड हो चुका है, यानी हार्ड नहीं हुआ है, जो लोड है वो अच्छे तरीके से आ चुका है, यानी कि पहले तो बिल्कुल लूज़ था। अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर जो हमारा एक्सेलेटर है आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सेलेटर, और ये हमारा ब्रेक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा क्लच है उसे हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले इसका जो ढक्कन है उसे लगा देते हैं। तो अभी हमने अच्छे तरीके से देख लिया है, और अब उसके बाद में हम थोड़ा क्लच दबाएंगे, ठीक है। क्लच यहाँ पर दबा दिया, और यहाँ पर गियर लगाते हैं। ये देख लो आप, इजीली यहाँ पर गियर जो हमारा लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग चुका है। अब जो हमारा गियर है वो काफ़ी इजी तरीके से आ रहा है यहाँ पर, तो ये रिवर्स थोड़ा हल्का सा टाइट लग रहा है, क्योंकि अभी जो गियर बूझे उसे अभी ही हमने रिपेयर करवाए थे। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, यहाँ पर देख लो आप इजीली लग चुका है, जो हमारा रिवर्स गियर वगैरह सब कुछ लग रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये हल्के से जो गियर बूच है उसके टाइट है, तो वो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा टाइट आ रहा है। और अगर आपके गियर अगर क्लच के डालने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो अल्टर है उसे थोड़ा और उठा लेना है, ठीक है, और उठा लेना है। अगर फुल होता है तो उसके बाद में आपकी जो क्लच प्लेट है आप उसे ही चेंज करवा दीजिए, क्योंकि फिर क्लच प्लेट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर जो हमारी गाड़ी है वो एकदम कम्प्लीटली कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।